आज हमारा टक्कर राउंड होने वाला है, जिसमें हम ऐसे दो रेलवे स्टेशन के बीच कंपैरिजन करने जा रहे हैं जिनके बीच कंपैरिजन करना शायद बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन इस कंपैरिजन से पहले आपको कुछ दिखाना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए वीडियो। रियल इंडिया एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है दी टॉक्स, हो जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपसे रिलेटेड किसी भी रियल न्यूज़ के बारे में या किसी भी आपसे रिलेटेड सजेशन के बारे में। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हम आपसे इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो कॉल के जरिए आपके साथ डिस्कशन करेंगे आपके टॉपिक पर, और ये हमारे वीडियो अपलोड भी कराया जाएगा। लेकिन आ जाते आज हमारे जो आज का हमारा टॉपिक है भागलपुर वर्सेस गोड्डा रेलवे स्टेशन। तो ये जो आपके सामने चल रहा है ये दी गोड्डा ग्रेट एंड दी सुशांत कुमार थे, जो गोड्डा और भागलपुर के बीच लड़ रहे थे कि इन दोनों रेलवे स्टेशन में से कौन बेहतर है और आने वाले दिनों में किस तरह गोड्डा भागलपुर को पीछे छोड़ देगा, यानी गोड्डा जो है वो भागलपुर से काफ़ी आगे निकल जाएगा। तो आज इन दोनों ही रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे दोनों ही रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दोनों ही रेलवे स्टेशन पर अभी अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो साफ तौर पर एक तरफा आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई मतलब कमेंट में इन दोनों का काफ़ी फाइट चल रहा था, तो ये वीडियो बनाना बनता था। तो आपको बता दें गोड्डा रेलवे स्टेशन इसी साल ऑपरेशन में आया है, ऑपरेशनल किया गया है, जिसमें कुछ DMU ट्रेन के साथ साथ यहाँ से एक हमसफ़र एक्सप्रेस चलाई जा रही है। फ़िलहाल गोड्डा रेलवे स्टेशन जो है वो मालदा डिवीज़न ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, और ये अभी सिंगल लाइन नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है जो गोड्डा से हसडिया के बीच है। वो पूरी तरह से सिंगल लाइन नॉन इलेक्ट्रिफाइड और हसडिया से भागलपुर के बीच इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, जिसका CRS इंस्पेक्शन बाकी है, और अभी भागलपुर तक भी ये सिंगल लाइन है। तो अब आगे बात करें भागलपुर रेलवे स्टेशन की, तो साफ तौर पर अगर भागलपुर की बात करेंगे तो ये भी मालदा डिवीज़न पूर्व रेलवे के अंडर है। भागलपुर मालदा डिवीज़न का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे स्टेशन, यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में पैसेंजर ट्रैवल करते हैं इस रेलवे स्टेशन से, और साथ ही साथ जो पूर्व रेलवे है उसका तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भागलपुर को माना जाता है। कोविड से पहले ये रेलवे स्टेशन काफ़ी कमाऊ रहा है, लेकिन कोविड के बाद सभी रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से पैसेंजर की संख्या घटी है और रेलवे स्टेशन पर काफ़ी असर पड़ा है। तो नया क्या है अपडेट इसको लेकर अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, लेकिन भागलपुर काफ़ी कमाऊ है मालदा डिवीज़न और पूर्व रेलवे के लिए। वहीं इस यहाँ से चलने वाली ट्रेन में कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जिसमें भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट, भागलपुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट, भागलपुर सूरत ताप्ती गंगा सुपरफास्ट, भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, भागलपुर गरीब रथ सुपरफास्ट, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस, भागलपुर अंग एक्सप्रेस और दानापुर इंटरसिटी मुजफ्फरपुर इंटरसिटी जैसी तमाम ट्रेनें जो भागलपुर से टर्मिनेट और ऑर्गेनेट की जाती है। वहीं यहाँ से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, हावड़ा जमालपुर, फड़क्का न्यू फड़क्का, मालदा दिल्ली वीकली एक्सप्रेस सहित ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। वहीं भागलपुर में अपना जो चिंग डिपो या रेलवे यार्ड है जहाँ पर ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी तौर पर, तो भागलपुर फ़िलहाल एक तरफा तौर पर बहुत आगे है, तो इसका कंपैरिजन करना बनता नहीं था। लेकिन यहाँ पे बात किसी एक रेलवे स्टेशन को बड़ा या छोटा दिखाने के नहीं है, क्योंकि भागलपुर जितना महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में गोड्डा रेलवे स्टेशन भी मालदा डिवीज़न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि भागलपुर रेलवे स्टेशन बिहार के बड़े शहरों में शामिल है, इस वजह से यहाँ पर जो रेलवे का वो ध्यान फैसिलिटी पर ज़्यादा रहता है, लेकिन दोनों ही रेलवे स्टेशन मालदा डिवीज़न के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पर कंपैरिजन करना बिल्कुल नहीं बनता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।